अब जैसे अपन यहाँ पे लेते हैं, अपन यहाँ पे स्टूडेंट आईडी और ले लेते हैं, स्टूडेंट आईडी, इसको भी अपन डाटा टाइप कहाँ कर देते हैं, नंबर में। अब स्टूडेंट वाली टेबल में अपन ने स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी की दी है, तो अपन टीचर वाली टेबल में भी किसको देंगे, स्टूडेंट आईडी को, और इसे राइट क्लिक करके सेव कर देते हैं, और इसको नाम अपन देते हैं टीचर। ठीक है, और ओके कर देते हैं, आ जाएगा। देखिए दोनों में सेम फील्ड है, कौन सी, स्टूडेंट वाली, और सेम में ही आपकी प्राइमरी की है। अब अपन ये टीचर वाली में डाटा फिल कर लेते हैं, जैसे कि ये लेते हैं, जैसे कि अपन यहाँ पर क्या करते हैं, टीचर, टीचर की आईडी है जैसे कि 101। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट अपन ने 1-2-3 लिए हैं स्टूडेंट की, तो अपन वो नहीं ले सकते हैं, तो अपन ने 101 लिया। अब यहाँ पर अपन टीचर नेम दे देंगे, जो भी आपके नाम रहेंगे, स्टूडेंट आई डी 1। ठीक है, क्योंकि इसी टाइप से लिए अपन स्टूडेंट की आई डी। अब यहाँ पर अपन 102 ले लेंगे, ठीक है, यहाँ पे 2, फिर नेक्स्ट ले लेंगे, एक सौ चार ले लेते हैं। तो इस टाइप से आप कुछ इंफॉर्मेशन फिल कर लेंगे इसमें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहता, वो तो आप एक किसी उसमें लिख सकते हैं, बस एक कोई सी फाइल फील्ड सेम होनी चाहिए, बाकी तो अलग चल जाएंगे, कोई एक होनी चाहिए। जैसे कि अपन ने स्टूडेंट, स्टूडेंट आईडी ली है दोनों में सेम, स्टूडेंट आईडी दोनों में सेम होनी चाहिए, बाकी आपके दूसरी टेबल में कुछ भी डाटा होता रहा है और इसमें कुछ भी डाटा होता रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं रहती, बस एक कोई सी फील्ड सेम होनी चाहिए। लेकिन ठीक है, तो ये अपन ने कुछ डाटा ले लिया, अब अपन इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, दोनों में सेम हो गया डाटा, अब अपन इसे क्लोज करते हैं। अब अपन डाटाबेस टूल्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से रिलेशनशिप इस पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे दोनों टेबल शो करानी है। फर्स्ट पे क्लिक करेंगे, देखिए आ गई आपके यहाँ पे स्टूडेंट वाली, टीचर वाली पर क्लिक करेंगे, टीचर वाली आ जाएगी। तो देखिए आपकी टीचर वाली स्टूडेंट डाटा है, उसमें आपकी दो फील्ड है, स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम। टीचर वाली है उसमें आपकी टीचर आईडी, टीचर नेम और स्टूडेंट नेम, ठीक है, तीनों है, पर दोनों में कॉमन क्या है, हाँ स्टूडेंट आईडी कॉमन है और स्टूडेंट आईडी में प्राइमरी की है, मतलब 1-to-1 रिलेशनशिप किससे बनेगा, स्टूडेंट आईडी से। तो अपन इसको क्या करते हैं, आप यहाँ से मूव करके इस पे रखें, इससे मूव करके इस पे रखें, किसी पे भी रख सकते हैं आप, इसको रखा, जैसे ही आप स्टूडेंट को मूव करके इस स्टूडेंट पे रखेंगे, मूव करना आएगा, माउस की क्लिक को दबा के रखेंगे और मूव करते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1-to-1 आ रहा है लिखा हुआ, रिलेशनशिप टाइप 1-to-1 है ये आपका। आप इन तीनों ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे, जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी वन लिखा हुआ आएगा, यहाँ पे भी वन लिखा हुआ है, और ये लाइन आएगी आपकी, मतलब ये 1-to-1 रिलेशनशिप आपका क्रिएट हो चुका है, बस आपको देखना है, तो देखिए अपन। चलिए इसे आप क्लोज भी कर सकते हैं, सेव करना है तो सेव भी कर सकते हैं। देखिए अब अपन इसके करते हैं, इस पर राइट डबल क्लिक करते हैं और इस पर भी डबल क्लिक करते हैं, कुछ डिफरेंस समझ आ रहा है आपको, हाँ ये प्लस का साइन आ रहा है। हमने क्या कहा था, 1-to-1 रिलेशनशिप में दोनों के पास सेम फील्ड होनी चाहिए, देन दोनों के पास प्राइमरी की होनी चाहिए। अब हमारे पास भी प्राइमरी की है, आपके पास भी प्राइमरी की है, तो जो आप सभी स्टूडेंट है ना, वो हमारा टीचर्स का डाटा देख सकते हैं और हम टीचर आप सभी स्टूडेंट का डाटा देख सकते हैं, ये बताएं। ठीक, देखिए अपन ये टीचर वाली पहले क्लोज कर देते हैं, ठीक है, पहले अपन स्टूडेंट की टेबल देखते हैं। अभी प्लस का साइन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, देखिए टीचर आईडी का देख पा रहा है डाटा, टीचर आईडी ये है, उसका नाम ये है, देन उसके बाद आप जो भी फील्ड लेते ना, मोबाइल नंबर, फादर नेम, वो सभी आपको यहाँ पर डाटा शो होता, बट अपन ने ओनली कम लिया, क्यों, क्योंकि अगर हम ज्यादा लेते तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते, चाहे तो हम दोबारा आपको ज्यादा डाटा लेके बता देंगे कि किस टाइप से आता है आपका, अभी आप लेकिन कम में कीजिए। तो देखिए टीचर का डाटा देख पा रहे हैं स्टूडेंट, इस पे क्लिक करेंगे तो ये आ रहा है, मतलब आप सारा डाटा देख सकते हैं, ये तो स्टूडेंट देख पा रहे हैं। अब टीचर की ओपन करते हैं, इसे क्लोज करते हैं और अपन टीचर वाली ओपन करते हैं।
टीचर पे क्लिक करा दो। देखिए आ रहा है टीचर, सॉरी स्टूडेंट आ रहा है, स्टूडेंट की आईडी यहाँ पे दे रहा है वो। आ रहा है ऐसे, नाम है फर्स्ट वाले का, सेकंड वाले का विजय नाम है, थर्ड वाले का वरुण मोहन जुबी है, यहाँ पे वो आपको नाम दे रहा है सभी के। तो ये होता है आपका 1-to-1 रिलेशनशिप। हाँ ठीक है। और एक बात और याद रखना, जब भी आप रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे तो आपके यहाँ पे कोई सी भी टेबल ओपन नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी टेबल ओपन होती है तो रिलेशनशिप क्रिएट नहीं होगा। जैसे अब आपको रिलेशनशिप डिलीट करना है तो ये ओपन रहने दें अपन। अब अपन क्या करेंगे, लेटर टूल्स पे जाएंगे, यहाँ पर रिलेशनशिप ये आ रहा है, इस पर आप एक बार क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा, राइट क्लिक करेंगे डिलीट करेंगे। देखिए डिलीट नहीं हो रहा वो आपका, क्यों? क्योंकि टेबल आपकी ओपन है ये, तो इसे आपको क्लोज करना रहेगा। चाहे आप रिलेशनशिप क्रिएट करें या डिलीट करें, आपकी कोई सी भी टेबल यहाँ पे ओपन नहीं होना चाहिए, ओनली रिलेशनशिप ही शो होना चाहिए। ठीक है, तो अपन इस पे क्या करते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट हो गया, लाइन हट गई, तो मतलब अब आप यहाँ पे देखिए प्लस का साइन नहीं आएगा, नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि अपन रिलेशनशिप जो था वो क्रिएट नहीं है वहाँ। अब जैसे अपन टीचर वाली फील्ड, मैंने स्टूडेंट वाली फील्ड में अपन फादर नेम और ऐड कर लेते हैं, नहीं मोबाइल नंबर ऐड करते हैं, तो यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट ले लेते हैं और फील्ड नंबर देते हैं मोबाइल नंबर। ठीक है, अब अपन इनमें यहाँ पे इन सभी के मोबाइल नंबर फिल कर लेते हैं। इसमें 4, इसमें आ जाएगा नेक्स्ट लास्ट, लास्ट में 5। क्या ये अपन इनके मोबाइल नंबर हुआ है। अब आप इसे राइट क्लिक करके क्या करेंगे, यहाँ पे सेव। अब आपको रिलेशनशिप क्रिएट करना है तो आप इन्हीं के बीच में करेंगे, तो स्टूडेंट को मूव करके आप स्टूडेंट पे ही रखेंगे, तो 1-to-1 ही आएगा आपका रिलेशनशिप, दिख आ रहा है, और यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। अब आप यहाँ पे स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे, स्टूडेंट में तो आप पीछे का डाटा देख ही सकते हैं नॉर्मल, अपन दोनों को क्लोज कर देते हैं, इसको ओपन कर देंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे। देखिए अजय नाम है स्टूडेंट का और मोबाइल नंबर है, बता रहा है डाटा। देन इसके बाद जितना भी डाटा होता है ना सभी शो होता है वो, ऐसा नहीं है कि जिस फील्ड से अपन ने बनाया है ओनली वही फील्ड, नहीं, उस टेबल में जितना भी डाटा होगा ना वो पूरा शो होगा आप। ठीक है, तो आया समझ आप सभी को? ठीक है, तो आप पहले ओनली एक ही रिलेशनशिप करके देखेंगे, 1-to-1 रिलेशनशिप। ठीक है, 3 दिन में अपन तीनों रिलेशनशिप खत्म कर देंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि हम तीनों एक साथ बताते हैं तो समझ नहीं आ पाते, भूल जाते हैं। पूछिए। हाँ हाँ बता सकती है ना, बता सकती हूँ। हाँ वो भी रहता है। हाँ याद नहीं रह पा रहा आपको, हाँ 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 इसमें ये बता देगा, फ्री डुप्लीकेट भी एंट्री नहीं होने देगा, आप दोनों को भी होने ही क्यों देगा, अगर एक नाम रहेगा तो ऐसा रहेगा। ठीक।